और ये लड़के देखिए, ये पत्थर वही है जो लड़का नापा है। देखिए चार अंगुल आया है, ये आप गौर से देख रहे हैं, देखिए चार ही अंगुल ये पत्थर है। हेलो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र। आज हम अपने ब्लॉग में खालिस मुखलिस के नाम से एक मस्जिद है जिसको आप कहते हैं चार अंगुल मस्जिद, वो स्थित सिराज हिंद जौनपुर में मोहल्ला पान दरीबे में स्थित है। हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर, जो एक पत्थर है वो उस जगह पर जिसको लड़का भी नापेगा चार अंगूर और बूढ़ा भी नापेगा वो भी आएगा चार ही अंगूर। और आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी मस्जिद में जहाँ इतिहास शर्की कालीन को आप देखेंगे, उस पत्थर की नक्काशी और वहाँ पर साफ और बढ़िया व्यू आपको देखने को मिलेगा मेरे इस ब्लॉग में। आइए हम आप के नाम से ये पान दरीबा है, इस मोहल्ले का नाम पान दरीबा है। आपको मस्जिद खालिस मुखलिस जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था और ये इब्राहिम शाह शर्की की ये बनवाया हुआ शहर जौनपुर जिसको आप कहते हैं। ये ब्लॉग मेरा अच्छा होने वाला, आप देर तक देखिएगा ब्लॉग मेरा। ये हम पान दरीबे में आ गए हैं, हम आपको उस गली में लेके चल रहे हैं जिस गली में चार अंगुल की मस्जिद जिसे कहते हैं और इसका नाम खालिस मुखलिस है। इब्राहिम शाह शर्की की बनाई हुई ये मस्जिद है, आप देखिए अब मस्जिद। हेलो दोस्तों, आज हम एक मस्जिद में हैं जिसको चार अंगुल की मस्जिद आप कहते हैं, ये खालिस मुखलिस के नाम से भी है। ये इसका नाम है चार अंगुल मस्जिद। और वो पत्थर जो आपको हम दिखलाने वाले हैं उसको अगर बूढ़ा भी नापेगा वो चार अंगुल और बच्चा भी नापेगा वो चार ही अंगुल आएगा। चलिए हम आपको दिखलाते हैं वो पत्थर। और ये लड़के देखिए, ये पत्थर वही है जो लड़का नापा है, देखिए चार अंगुल आया है, ये आप गौर से देख रहे हैं, देखिए चार ही अंगुल ये पत्थर है। देखिए ये वो पत्थर है जो आप देख रहे हैं, ये बड़े भी नापे हैं, देखिए चार ही अंगुल आया है। ये वही पत्थर आपको, ये खालिस मुखलिस के नाम से ये मस्जिद है पूरी। ये चार अंगूर वाली मस्जिद है जिसको आप देख रहे हैं, चार अंगुल की मस्जिद। यहाँ पर जो हम पत्थर को आपको दिखलाए वो बूढ़ा भी नापा है चार अंगुल और बच्चा भी नापा है चार ही अंगुल आया है। ये खालिस मुखलिस के नाम से ये मस्जिद है, इब्राहिम शाह शर्की बनवाए हैं ये मस्जिद है। अलकुड्स टूर एंड ट्रैवल, ये बरेली का टूर है और आप इनसे हज, उमरा और ज़ियारत मार्फत के साथ कर सकते हैं। मेरे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, इनका बैनर है और इनका नंबर लिखा है। और भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सरकार का बोर्ड भी लगा है जिसको आपको हम दिखला रहे हैं, ये चार अंगुल की मस्जिद, एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया, चार अंगुल की मस्जिद। ये आपको पत्थर पे नक्काशी है, ये देखिए, ये चार अंगुल मस्जिद के हम अंदर आ गए हैं।
ये नक्काशी है, ये इब्राहिम शाह शर्की की बनाई हुई ये मस्जिद है जिसको आप खालिस मुखलिस के नाम से कहते हैं। और यहाँ पे आप नक्काशी देखिए इसकी, ये देखिए ये पत्थर पे नक्काशी की गई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ने इसको बनाया है मिलकर। ये देखिए ये नक्काशी देखिए, यहाँ का पूरा रूफ टॉप देखिए, ये ऊपर ये देखिए, और यहाँ पर एंट्री का भी कुछ वो नहीं है। ये आप देखना है चार अंगुल की मस्जिद, ये खालिस मुखलिस के नाम से ये मस्जिद है, इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। और यहाँ पर फॉरेन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा, यहाँ पर एंट्री फीस नहीं है। ये चार अंगुल की मस्जिद है, आपको हम दिखलाते हैं चारों तरफ से। आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, फैसल इन ब्लॉग्स यूट्यूब पर, आपको फैसल इन ब्लॉग्स के नाम से है। ये खालिस मुखलिस के नाम से ये मस्जिद है, ये पान दरीबे में स्थित है, चार अंगुल की मस्जिद है। और ये मेरे तरफ आप इसके पत्थर की नक्काशी देखिए, ये नक्काशी है पत्थर की पूरी, आपको हम दिखला रहेंगे। ये देखिए ये नक्काशी देखिए आप, ऊपर का मीनार जो पत्थर की नक्काशी जो बनाते मजदूर लोग।